हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। मैं रोहित आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में हम मेटल ब्रेसेस और सिरामिक ब्रेसेस में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या होता है, कौन बेहतर है, दोनों का प्राइस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ब्रेसेस का पेशेंट है या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल ब्रेसेस की। देखिए, मेटल ब्रेसेस सबसे फेमस और कॉमन तरह के ब्रेसेस होते हैं और जितने भी डॉन्टिस्ट होते हैं वो मेटल ब्रेसेस रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं। एक बार अगर दांतों के ऊपर आपके लगा दिए जाए तो उसके बाद आप चाह के भी इनको हटा नहीं सकते। तो इससे क्या होता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं। जब आपके ब्रेसेस ऑफ होंगे, जितना भी टाइम लगे, चाहे एक साल दो साल, जब आपके ब्रेसेस हट जाएंगे तो जो रिजल्ट निकल के आता है मेटल ब्रेसेस से, वो काफ़ी अच्छा आता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके दांतों के ऊपर स्टील के ब्रैकेट्स लगा दिए जाते हैं, तो एक खास तौर का ग्लू होता है, उसे सबसे पहले आपके दांतों पर लगाया जाता है। दांतों को सबसे पहले साफ करके इस ग्लू को आपके दांतों के ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद इन ब्रैकेट्स को इसमें चिपका दिया जाता है। उसके ऊपर एक वायर को चला दिया जाता है। वायर को ब्रैकेट्स में कनेक्ट करने के लिए खास तौर पर रबर बैंड फिक्स किया जाता है और वायर का जो एंड पॉइंट होता है, आपके जो चार प्रीमोलर जिसमें बैंड लगे होते हैं, उसमें फिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से मेटल ब्रेसेस आपके दांतों में लगाए जाते हैं। महीने में एक बार आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बुलाते हैं। इस महीने की अपॉइंटमेंट में जो भी आपके ब्रेसेस लगाएं, यानी कि मेटल ब्रेसेस लगाएं, इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट किए जाते हैं, इनको टाइट किया जाता है, वायर चेंज किया जाता है। कभी कभार अगर वायर टूट जाता है खाना पीने से, तो उसको भी जो है चेंज किया जाता है इस मंथली एडजस्टमेंट में। चलिए बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो जो इसका प्राइस होता है वो तकरीबन होता है 25,000 से 30,000 आपको प्राइवेट में पड़ेगा। अगर आप सरकारी में कराते हैं तो इसका इलाज 12,000 के आसपास आपको पड़ेगा। चलिए बात करते हैं सिरामिक ब्रेसेस की। देखिए, सिरामिक ब्रेसेस और मेटल ब्रेसेस में बस इतना अंतर होता है, सिरामिक ब्रेसेस में जो ब्रैकेट्स होते हैं, जो वायर होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने होते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाले को बड़ी आसानी से दिखते नहीं है। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि उनके जो ब्रैकेट्स हैं या जो ब्रेसेस उन्हें लगवाएं, ठीक है, वो सामने वाले को दिखे, क्योंकि उन लोग को ख़राब लगता है, कॉन्फिडेंस फील नहीं आता। तो ऐसे में जो ऐसे पेशेंट है वो सिरामिक ब्रेसेस लगवा सकते हैं। तो इसमें जो ब्रैकेट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने होते हैं, जो बड़ी आसानी से नहीं दिखते। अगर कोई इंसान बहुत आपके करीब आ जाता है, या मतलब 1 मीटर की दूरी पर आ जाता है, तभी वो देख पाएगा। 1 मीटर से जो थोड़ा सा दूर अगर वो जाएगा, तो जो भी ब्रेसेस आपने सिरामिक लगा रखें वो विजिबल नहीं होते। तो यही इस ब्रेसेस की खूबी होती है, और इसी के चलते ये जो मेटल ब्रेसेस से भी ये जो है 10,000 महंगा पड़ता है। तो इसका जो प्राइस होगा वो तकरीबन आपको 35,000 के आसपास पड़ेगा, और अगर आप सरकारी में जाके इसे लगवाते हैं तो इसकी जो प्राइस होती वो तकरीबन आपको 18,000 के आसपास पड़ेगी। लगाने का प्रोसेस एकदम सेम है। सबसे पहले आपके दांतों को साफ़ किया जाता है, उसके ऊपर ग्लू लगाया जाता है, और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट जो ब्रैकेट्स होते हैं वो दांतों के ऊपर चिपका दिए जाते हैं। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो वायर होता है वो चला दिया जाता है। वायर को ब्रैकेट से कनेक्ट करने के लिए एक रबड़ बैंड यूज़ किया जाता है, और वायर का जो एंड पॉइंट होता है, आपके प्रीमोलर में जो बैंड लगे होते हैं, उसमें फिक्स कर दिया जाता। तो इस तरह से आपके जो सिरामिक ब्रेसेस होते हैं वो लगाए जाते हैं। महीने में एक बार मेटल ब्रेसेस की तरह आपके जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं आपको बुलाएंगे, इसमें एडजस्टमेंट किए जाते हैं, वायर को चेंज किया जाता, ब्रेसेस को टाइट किए जाते हैं, क्योंकि हर महीने जो दांत है ब्रेसेस लगने के बाद शिफ्ट होते, तो उस अकॉर्डिंग फोर्स लगा के दांत को सीधा किया जाता है। तो ये है मोटा कंपैरिजन बिटवीन मेटल ब्रेसेस एंड सिरामिक ब्रेसेस। इसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा लगवाना है। जो भी आप लगवाएंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।